हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हलवाई स्टाइल समोसा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। आप देख सकते हैं कि ये समोसे कितने क्रिस्पी बने हैं। सबसे पहले हम समोसे का आटा तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1/4 कप घी, 1/2 टीस्पून अजवाइन, नमक स्वादानुसार और 1/4 कप पानी। सबसे पहले एक बाउल में मैदा डालें। अब इसमें अजवाइन और नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। अब घी डालकर मौन देंगे। 1/4 कप घी लगभग 80 ml होगा और 2 कप मैदा लगभग 260 ग्राम्स होगी। अगर आप 1 kg मैदा लेते हैं तो लगभग 250 से 300 ग्राम तक घी लगता है, इसलिए मैंने 260 ग्राम मैदा में 80 ml घी लिया है। आप चाहें तो तेल से भी मौन दे सकते हैं, पर समोसों में मौन घी से ही लगाने में ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। हमें मैदा में घी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमें कुछ इस तरह का टेक्सचर मिलना चाहिए। जब हम इसे बाइंड करें तो ये आसानी से बाइंड हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए कड़क आटा गूँथेंगे। आटा गूँथते समय आप ठंडा पानी यूज़ करें ताकि समोसे खस्ता बने। समोसे का डो जो है वो बहुत टाइट गूंदना होता है। अगर ये डो सॉफ्ट होगा तो समोसे पूरी की तरह बन जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि समोसे के लिए डो सख्त ही लगाएं। अब इसे आधे घंटे के लिए सेट होने दें। तब तक हम समोसों की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 उबले हुए आलू, 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वादानुसार, 1 हरी मिर्च, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, हरा धनिया। और मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, चाट मसाला और अमचूर पाउडर। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर गरम करें, फिर जीरा, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालकर पकाएं। जब हरी मिर्च और अदरक सिक जाए तब उबले हुए आलू मैश करके डालें और सभी मसाले और नमक डालकर अच्छी तरह से मिला दें। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर दें। स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर समोसे बनाएंगे। मैदा को अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक फिर से मसल कर एक सा कर लें। अब थोड़ा आटा तोड़कर इस तरह से लोई बनाकर बेलें। जितना हम रोटी बनाने के लिए लोई या पेड़ा बनाते हैं, हमें उतनी ही बड़ी लोई बनानी है और इसे पतला बेलना है। अब इसे बीच से इस तरह से काटें। हमें ऐसे इस तरह से कोन शेप में बनाना है। ये तलते समय खुले नहीं, इसलिए इस तरह से पानी लगाकर अच्छी तरह से चिपकाएंगे। इसे इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से चिपकाएं। अब हम इसमें इस तरह से स्टफिंग फिल कर लेंगे और पानी लगाकर इसे इस तरह से चिपका लेंगे। हमने इस तरह से समोसा रेडी कर लिया है और इसी तरह से हम सभी समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने सभी समोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा आटा डालकर ऑयल को चेक कर लेंगे। अब एक एक करके समोसे कढ़ाई में डालेंगे। समोसे तलने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम हाई फ्लेम पर समोसों को फ्राई करेंगे तो इनमें बबल्स आ जाएंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे।
इन्हें लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे फ्राई होने दें। समोसों को धीरे धीरे पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। हमारे समोसे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें प्लेट पर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि समोसे कितने क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।